संसदीय सचिव ने किया 10 लाख रुपए से बनने वाली यादव भवन का भूमि पूजन। बलरामपुर जिले के राजपुर महुआ पारा मंडी प्रांगण के बगल में सर्व यादव सामाजिक भवन का संसदीय सचिव सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने भूमि पूजन किया। यादव समाज के पदाधिकारियों ने मंडी प्रांगण से गेउर हरितिमा तक डीजे साउंड के साथ बाइक रैली निकाली। रैली को देखते हुए थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने पुलिस की ड्यूटी लगाई थी। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज की पहल पर सर्व यादव समाज को सामाजिक भवन के लिए महुआ पारा मंडी प्रांगण के बगल में 20 डिसमिल शासकीय जमीन उपलब्ध कराया गया। सामाजिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करने की क्षेत्रीय विधायक संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने घोषणा की। शुक्रवार को पुजारी से पूजा अर्चना कराकर क्षेत्रीय विधायक ने भूमि पूजन किया। इस दौरान यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव, प्रदेश संरक्षक एस एन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, प्रदेश संगठन मंत्री शिवनाथ यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हीरालाल यादव, संभागीय अध्यक्ष देव नारायण यादव, बलरामपुर जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद यादव, रामाशंकर यादव, चंद्रदेव सहित यादव समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। युवाओं को आगे लाने के लिए युवा प्रकोष्ठ बना हुआ है। सभी जिले में युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं। महिलाओं की इस क्षेत्र में, खासकर सरगुजा संभाग में महिलाओं की संख्या उतना नहीं आ पाता, लेकिन दूसरे जिलों में भरपूर मात्रा में महिलाएं आगे रहती हैं। और आप देखे होंगे कि जिला पंचायत के अध्यक्ष रूप में यादव है, शालिनी यादव है, और बहुत सारे जो यहाँ लेदरी में आपके नगर पंचायत अध्यक्ष सरोज यादव हैं, बहुत सारे यादव, रामकली यादव जी हैं जो पुलिस विभाग के वो हैं। हमारे तरफ तो महिलाओं में बहुत जागृति है, और राजनीतिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत आगे हैं। लेकिन ये सरगुजा क्षेत्र में, कई बार हो गया इस बात को कहते हुए कि सरगुजा क्षेत्र में महिलाओं की को भी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में लाना चाहिए, इस ओर हम पदाधिकारियों को फिर से निर्देश करने का सोचते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे फर्स्ट में युवाओं का एक भव्य रैली या उत्साह, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं सोचता हूँ हमारे 40 साल का मेहनत जो है वो सफल हो गया। पहले बार बलरामपुर जिला में इतना बड़ा भव्य रैली हुआ, इसमें युवाओं लोगों जो जागृति आई है, आने वाला समय इस जिले के लिए बहुत ही समृद्धिकारी होगा और सुखमय होगा। बलरामपुर से रामजीवन यादव, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।